मैं अपनी पिच के लिए आपको सिर्फ इतना कहूंगा, हम एक ग्रीन सिटी बनाना चाहते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन खास बात क्या है? शहर के शोर से भागता हुआ इंसान क्या चाहता है? पीस। पूरी मीटिंग में वीआर और कथा ही छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसके हीरो हीरोइन वही हैं। तुम एक्स्ट्रा लग रहे थे यार। लाइक फिल्म के एंड क्रेडिट्स। तो दोस्तों, सोनी टीवी के सीरियल कथा अनकही में अनिरुद्ध वर्मा वियान और एसन के बीच बढ़ा देगा दुश्मनी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल वियान, कथा और एसन ग्रीन सिटी के प्रोजेक्ट में हिस्सा लेते हैं ताकि ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट की डील अर्थ फोन को मिल सके। इसलिए वियान और कथा एक प्रेजेंटेशन बनाकर सबके सामने पेश करते हैं, जिसके बाद वियान और कथा की प्रेजेंटेशन वेंडर को बहुत पसंद आती है और ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट की डील अर्थ फोन को मिल जाती है। लेकिन इस मीटिंग में वियान का कॉम्पिटिटर अनिरुद्ध वर्मा भी मौजूद होता है, जिसको ये सब पसंद नहीं आता कि आखिर वियान को ही सारी डील क्यों मिल रही है, क्योंकि दुबई हेरिटेज प्रोजेक्ट की डील भी अनिरुद्ध वर्मा के हाथ से चली गई थी। इसलिए अब अनिरुद्ध वर्मा अर्थकोन को तोड़ने के लिए एसन को वियान के खिलाफ भड़काएगा, क्योंकि एसन ने उस मीटिंग में कुछ बोला ही नहीं और कथा और वियान ही प्रेजेंटेशन देते रहे, जिसके बाद अनिरुद्ध वर्मा एसन से कहेगा कि तुम्हारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, भले ही तुम अर्थकोन के आधे हिस्सेदार हो, लेकिन इस मीटिंग में जो हीरो रहे कथा और वियान ही रहे, तुम तो बस ऐसे रहे जैसे ही कोई ऑडियंस आकर बैठ जाती है। जिसके बाद एसन के मन में वियान के खिलाफ और गुस्सा भर जाता है कि आखिर वियान ही सारा क्रेडिट ले जाता है, वो भी कथा के सामने, और मुझे बोलने का मौका ही नहीं देता। लेकिन अब देखना ये होगा, आखिर क्या एसन अपनी समझदारी दिखाकर अनिरुद्ध वर्मा को करारा जवाब देगा या नहीं, या फिर वियान के खिलाफ हो जाएगा और अर्थकोन को तोड़ने की बात करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।